जादुई नदी की अनोखी जल परी। गंगापुर गांव में सूरज अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहा करता था और कई सालों से गंगापुर गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से गांव के सभी किसानों की जमीनों पर सूखा पड़ गया था और उनके खेत में कोई भी फसल नहीं उग पा रहा था, जिस वजह से सूरज के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो अक्सर इसी बात को लेकर परेशान रहा करता था और चांदनी भी उसे इस बात को लेकर अक्सर ताने मारा करती थी। ऐसे ही आज भी। अरे चांदनी, ये क्या है, तुम रोज रोज खाने में यह सूखी रोटी और अचार क्यों दे देती हो? मैं तो ये खाना खा खा कर पक चुका हूँ, कभी तो तुम कुछ नया बना दिया करो। अच्छा जी, अब तुम्हें रोज रोज नए तरीके का खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ पैसे तो रोज कमा कर लाओ। यहाँ इतने सालों से तो तुम्हारे खेत में सूखा पड़ा है, ना कोई फसल उगी है और ना ही कोई घास, इसलिए तुम तो शुक्र करो जो तुम्हें ये सूखी रोटी भी नसीब हो रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तो सारी गलती मेरे ही नसीब की है ना, जो दिन रात खेतों में जाकर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बस दिन भर घर में बैठकर मुझे ताने देना होता है। देखिए, अब बस बहुत हो गया, अब आप चुपचाप से खाना खाइए और जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे इस रोज रोज के तानों से मेरा पेट वैसे भी भर जाता है, इसलिए तुम ही खाओ ये अपना खाना। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है और अपने खेतों में जाकर काम करने लगता है। और काम खत्म करने के बाद जब वो पहाड़ी के किनारे वाली नदी के पास अपना मुंह हाथ धोने जाता है, उसी समय वहाँ पर घनश्याम नाम का एक आदमी आता है और अपने घर का कूड़ा कचरा उस नदी में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सूरज उससे कहता है, अरे घनश्याम भाई, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह नदी को गंदा क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे गांव में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है, तो बस ये नदी का पानी ही तो है जिससे हम लोगों का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब इस नदी का पानी भी पीने लायक नहीं बचेगा। अरे भाई सूरज, मैं अकेला थोड़ी हूँ जो इस नदी में कूड़ा कचरा फेंक रहा हूँ, तो आखिर तुम्हें मुझे अकेले को समझाकर क्या फायदा, जाओ गांव के दूसरे लोगों को समझाओ, फिर मुझे समझाना। इतना कहकर घनश्याम वहाँ से चला जाता है। तभी सूरज कहता है, हे भगवान, पता नहीं इन गांव वालों का क्या होगा। इतना कहकर सूरज भी अपने घर वापस चला जाता है। और जब अगले दिन सूरज वापस अपने खेतों पर काम करने जाता है और काम खत्म करने के बाद वो फिर से उसी नदी के पास हाथ मुंह धोने जाता है, लेकिन उस दिन उस नदी को इतना ज्यादा गंदा देखकर सूरज कहता है, हे राम, इन गांव वालों ने इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया है, अब भला इसमें अपना हाथ मुंह लोग कैसे धुलेंगे, लगता है अब घर जाकर ही अपना हाथ मुंह धोना पड़ेगा। इतना कहकर सूरज जब वापस जा रहा होता है, उसी समय उस नदी के पास बैठी एक बूढ़ी औरत उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा, क्या बात है, तुम इस तरह बिना हाथ मुंह धोए वापस क्यों जा रहे हो? अरे आप कौन हो और आप यहाँ कब आई, मैंने तो आपको यहाँ आते हुए देखा ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ, क्या तुम इस नदी को साफ कर सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगी। अरे अम्मा, मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ, और रही बात इस नदी को साफ करने की, तो ठीक है, मैं अभी इस नदी को साफ कर देता हूँ। इतना कहकर सूरज नदी के अंदर जाता है और उस नदी का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल देता है और उसे पूरी तरह से साफ कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, ये लो बेटा, अब तुम इन मोतियों को इस नदी के अंदर डाल दो। अरे अम्मा, इन मोतियों को इस नदी के अंदर डालने से क्या होगा? अरे बेटा, तुम एक बार डालो तो सही, तुम्हें इसका जवाब अगले दिन जरूर मिलेगा। और इस तरह सूरज उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उन मोतियों को लेकर उस नदी के अंदर डाल देता है और फिर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। और उसके घर आते ही चांदनी उससे कहती है, अरे ये क्या, यहाँ इतने सालों से गांव में बारिश नहीं हुई है, तो फिर आप कौन सी बारिश में भीग कर आ रहे हो? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर सूरज उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद चांदनी कहती है, अरे यहाँ अगर आपको ज्यादा देर तक खेतों में काम करना पड़ जाए तो आपको नानी याद आ जाती है,
लेकिन यहाँ गांव भर के नदी नाले साफ करते हुए घूम रहे हो, तब आपको कोई थकान नहीं हो रही है? अरे तुम फिर से अब शुरू हो गई। चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इतना कहकर अगले दिन जब सूरज फिर से उस नदी के पास जाता है तो देखता है कि उसके फेंके हुए मोती सोने के मोतियों में बदल जाता है। ये देखकर सूरज हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, इतने सारे सोने की मोतियाँ, लेकिन कल तक तो ये साधारण मोतियाँ थी। सूरज के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक सुंदर जलपरी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सूरज घबराते हुए कहता है, अरे आप कौन हैं और आप इस नदी में क्या कर रही हैं? घबराओ मत सूरज, मैं इस नदी की जलपरी हूँ। दरअसल इन गांव वालों ने हमारी इस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे जल लोक की आधे से ज्यादा मछलियों की जान जा रही थी। इसलिए जब मैंने तुम्हें उस दिन इस नदी की परवाह करते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमारी इस नदी को साफ करने में हमारी मदद कर सकते हो। इसलिए मैंने कल उस बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुमसे इस नदी को साफ करवाने का काम किया, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी इस समय बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हो। इसलिए आज से तुम इस जादुई नदी में से जितने चाहे सोने की मोतियाँ अपने घर ले जा सकते हो और अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हो। जलपरी की ये बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह उस जादुई नदी में से ढेर सारे सोने की मोतियाँ लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी चांदनी को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद चांदनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उन सोने की मोतियों को बेचकर सूरज अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल लेता है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक बड़े से मकान में बदल लेता है, जिसके बाद से सूरज की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और उस दिन के बाद से वह हर रोज जाकर उस नदी की हमेशा सफाई किया करता था, जिसके बदले उसे ढेर सारे सोने के मोतियाँ मिला करती थी, जिसकी वजह से वह गांव के सभी गरीब लाचार लोगों की मदद किया करता था और सभी को नदी साफ करने की सलाह भी देता था। कोलकाता का अनोखा जादुई लहंगा। एक समय की बात है, कोलकाता शहर में मेघा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी, लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और जब यह बात मेघा को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का चेहरा देखने तक को नसीब नहीं होता और ऐसे में वो रोती हुई कहती है, माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हम मेरा ख्याल कौन रखेगा, कौन मुझे सहारा देगा? काश काश आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेघा इतना कहकर रो ही रही होती है कि उसी समय उसका चाचा विनोद वहाँ पर आता है और मेघा से कहता है, मेघा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा चाचा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर विनोद मेघा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और मेघा को घर पर देखकर विनोद की पत्नी कौशल्या को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, सुनिए आप मेरे साथ इधर आइए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर कौशल्या विनोद को कमरे में लेकर जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जी, उस अनाथ लड़की को हमारे घर में क्यों लेकर आ गए? अरे हमारा घर का खर्चा क्या कम था जो आप उसे भी उठा कर ले आए? कौशल्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो हमारी बेटी जैसी है और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता, इसलिए आज से मेघा यहीं पर रहेगी और तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही मानना होगा उसे। अरे ये आप क्या कह रहे हो, मैं किसी और को अपनी बेटी क्यों बनाऊं, जबकि मेरी खुद की एक बेटी है। कौशल्या तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो, मेघा मेरे भाई की आखिरी निशानी है और मैं इसे इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम्हें उसे अपनी बेटी मानना है तो मानो वरना मत मानो, लेकिन वह यहीं रहेगी। और एक बात और, मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मेघा का तुम अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कौशल्या कहती है,
कोई बात नहीं, बस तुम एक बार यहाँ से जाओ तो सही, फिर मैं इस मेघा की बच्ची को इसकी असली औकात दिखाती हूँ। और इस तरह विनोद के जाने के बाद कौसल्या मेघा को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह मेघा से घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं देती है, और मेघा अपनी मजबूरी की वजह से चुपचाप उसके सारे काम को कर दिया करती थी और कभी भी अपने चाचा से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन कौसल्या मेघा को आवाज लगाती है, अरे ओ मेघा की बच्ची कहाँ मर गई? कौसल्या की आवाज सुनकर मेघा उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चाची जी? अरे मुझे कब से भूख लग रही है, तूने अभी तक मेरे लिए पकौड़े नहीं बनाए। लेकिन चाची अभी तो आपने खाना खाया है, और ऐसे में आप फिर पकौड़े खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अरे ये मेरा घर है और तू यहाँ की नौकरानी है, तो मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूँगी। तुझसे जितना बोला जा रहा है तू बस वो कर। ठीक है चाची जी, मैं अभी आपके लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। इतना कहकर मेघा कौसल्या के लिए पकौड़े बना कर ले आती है। उसी समय कौसल्या कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुन, कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स कल यहाँ पर आएगी, इसलिए कल किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और उन सबके लिए तुझे रात का खाना भी बनाना होगा और पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा भी कर देना। उनके आने से पहले ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? लेकिन चाची जी इतना सारा काम मैं एक दिन में अकेली कैसे कर पाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस मेरा काम पूरा चाहिए। ऐसे ही अगले दिन मेघा सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, और घर का काम खत्म करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। उसी समय कौसल्या वहाँ पर आकर उससे कहती है, अरे ओ कामचोर, ये इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? मेरी फ्रेंड्स कभी भी यहाँ आती ही होगी और तूने अभी तक उनके लिए खाना भी नहीं तैयार किया है। चाची मैं बस अभी जल्दी से सारा खाना बना देती हूँ। ठीक है जल्दी कर। इतना कहकर कौसल्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिन भर काम करने की वजह से मेघा को अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ से गुजर रही एक छोटी सी परी जब खिड़की के रास्ते से मेघा की ऐसी हालत देखती है तो वह अपनी जादुई छड़ी की मदद से खिड़की के रास्ते मेघा का सारा काम कर देती है और सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब मेघा को होश आता है तो वह यह सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये सारा खाना किसने बनाया? क्योंकि मैंने तो ये सब नहीं बनाया, पर ये बनाया किसने? उसी समय कौसल्या वहाँ पर आकर कहती है, क्या बात है तूने इतना जल्दी इतना सारा खाना बना लिया? हाँ वो चाची आपने ही कहा था ना जल्दी बनाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सारा खाना बना लिया। उसी समय कौसल्या की सारी फ्रेंड्स वहाँ आ जाती है और कौसल्या उनके साथ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन वही मेघा एक सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब किया किसने। और ऐसे ही एक दिन कौसल्या मेघा को अपने साथ एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है। मेघा तुम्हें इस पार्क की गंदगी दिख रही होगी ना, देखो यहाँ लोगों ने कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है। लोग यहाँ आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, तो अब तुम्हें इस पार्क को साफ करना है। जैसे तुमने कल पूरे घर की साफ सफाई की थी ना, ठीक वैसे ही आज तुम्हें इस पार्क को भी साफ करके दिखाना है। लेकिन चाची ये पार्क तो बहुत बड़ा है और मैं इस पूरे पार्क को अकेली इतनी जल्दी कैसे साफ कर पाऊंगी? क्यों? देखो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ये पार्क साफ हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। कौसल्या की ये बात सुनकर मेघा बहुत परेशान हो जाती है और उसके जाते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहाँ पर वह नन्ही सी परी आती है जिसने पहले मेघा की मदद की थी,
और वह फिर से अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस बड़े से पार्क को साफ कर देती है। यह देखकर मेघा फिर से कहती है, अरे आखिर ये हो क्या रहा है? यह पार्क अचानक से अपने आप साफ कैसे हो गया? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। मेघा इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कौशल्या आ जाती है और पूरे पार्क को इतना साफ सुथरा देखकर वह मेघा से कहती है, अरे तुमने ये पूरा पार्क इतनी जल्दी साफ कैसे कर दिया? अपने हाथों से चाची, क्योंकि मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी है, इसलिए मुझे ये बात भी तो माननी थी ना। मेघा की ये बातें सुनकर कौशल्या वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद मेघा खुद भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी ये मदद कौन कर रहा है। उसी समय वहाँ पर नन्ही परी प्रकट हो जाती है और कहती है, मेघा मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो मेघा, इधर देखो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? मेघा, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी चाची की सारी बातें सुन ली थी और उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उस परी की ये बात सुनकर मेघा बहुत खुश हो जाती है और उनका धन्यवाद करती है। उसी समय परी कहती है, मेघा मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने परीलोक वापस जाना होगा। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें ये जादुई अनोखा लहंगा देना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस जादुई लहंगे से मांग लेना। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी और तुम्हें तुम्हारी दुष्ट चाची से भी बचाएगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस परी के जाने के बाद मेघा उस जादुई लहंगे से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह जादुई लहंगा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया करती थी। एक दिन कौशल्या को उस जादुई लहंगे के बारे में पता चलता है तो वह उसे चुराने के लिए रात में मेघा के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कौशल्या उस जादुई लहंगे को हाथ लगाती है, वैसे ही उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और यह देखकर कौशल्या वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और उस दिन के बाद से मेघा खुशी खुशी उस जादुई लहंगे की मदद से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। कुएं का जादुई सिलाई मशीन। गौरी अपनी सौतेली माँ सुलोचना और सौतेली बहन रागिनी के साथ रहती थी। गौरी हर कामों में बहुत ही अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का हर काम उसे आता था और उसे सिलाई भी बहुत अच्छे से करना आता था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बहुत ही घमंडी लड़की थी। सुलोचना गौरी और रागिनी में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी। वह दोनों को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन रागिनी ना ही तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और ना ही वह घर का एक भी काम किया करती थी। सुलोचना अगर गौरी को कुछ भी काम करने को कहती तो गौरी खुशी खुशी वह काम कर देती थी। एक दिन सुलोचना अपनी बेटी रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जा बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। माँ मुझे चाय बनानी नहीं आती है। रागिनी बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें यह सब काम आना चाहिए। तुम ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती हो, ना ही तो तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाती हो। आज तक तूने कभी भी स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और ना ही तुम्हें घर का कोई भी काम करना आता है। इतने में वहाँ पर गौरी आ जाती है और वह बोलती है, आप रागिनी को क्यों डांट रही हो? बेटी तेरे और मेरे लाड प्यार ने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है, यह कोई भी काम करना नहीं चाहती है
और एक तू है कि सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करती रहती है, और एक यह है कि घर का एक भी काम करना नहीं चाहती है। रागिनी, तुम्हें अपनी बहन गौरी से कुछ सीखना चाहिए। माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसको कभी भी अपनी बहन नहीं मानती। ऐसी बातें नहीं करते रागिनी, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी है। यह तुम्हारी तरह ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करती, लेकिन फिर भी इसे सब कुछ आता है और तुम्हें तो हर काम के लिए बस पैसे चाहिए होते हैं। इतना सुनने के बाद रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मोबाइल में गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर गौरी आती है और रागिनी से बोलती है, देखो बहन, माँ जो भी कहती है वो गलत तो नहीं है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि तुम सिर्फ काम ही किया करो, तुम्हें जो मन आता है तुम वो करो, लेकिन माँ जो कहती है वह काम तो कर दिया करो, ताकि माँ तुमसे ज्यादा गुस्सा ना हो। तुम्हें तो पता ही है ना माँ की तबीयत खराब रहती है, तुम्हें जहाँ भी जाना था तुम वहाँ चली जाओ। चाय मैं बना देती हूँ माँ के लिए। मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं मेरी माँ पर कौन सा जादू टोना कर रखा है, अब माँ को मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता रहती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब कुछ सुनना पड़ता है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। एक दिन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का बहुत ही अमीर घर से था और वह पैसे भी बहुत ही अच्छा कमाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका रंग काला था। लेकिन रागिनी को यह रिश्ता मंजूर था। रागिनी को उसके रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, उसको तो बस पैसे वाला लड़का चाहिए था। इस तरह रागिनी की शादी उस लड़के से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद गौरी को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। गौरी का होने वाला पति रंग रूप और स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। भले ही वह कम कमाता था, लेकिन उसके स्वभाव से सबको यही लगा कि वह गौरी को बहुत ही खुश रखेगा, इसलिए गौरी भी इस रिश्ते को मंजूर कर लेती है। रागिनी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गौरी और सुलोचना को शादी की बहुत ही चिंता सताए जा रही थी। वह इतनी जल्दी दो दो शादियां की तैयारी कैसे कर पाएगी? लेकिन दोनों माँ बेटी ने बहुत ही मेहनत करके शादी की सारी तैयारियां की, और अब रागिनी की शादी का दिन आ जाता है। रागिनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। उसका लहंगा भी बहुत ही महंगा था। थोड़ी ही देर बाद बहुत ही धूमधाम से रागिनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। रागिनी के जाने के बाद सुलोचना और गौरी दोनों बहुत ही दुखी होते हैं, और अब गौरी के भी शादी का दिन आ जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे न होने के कारण गौरी अपने लिए रागिनी की तरह लहंगा नहीं ले पाती है, क्योंकि सारे पैसे रागिनी की शादी में ही खर्च हो गए थे, और अब सुलोचना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह गौरी के लिए एक सुंदर सा लहंगा ला सके। तभी गौरी अपने मन में सोचती है कि उसे शादी का लहंगा खुद ही सिलना चाहिए, क्योंकि गौरी को बहुत ही अच्छी सिलाई आती थी, इसलिए गौरी अपना लहंगा खुद सिलने लगती है। और दिन रात मेहनत करके गौरी को इतना मेहनत करता देखकर सुलोचना कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह कुछ नहीं कर सकती है। और थोड़े ही समय बाद वह लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब सुलोचना उस लहंगे को देखती है तो वह बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लहंगा काफी सुंदर तैयार हुआ था। तभी सुलोचना गौरी से बोलती है, अरे बेटी, तूने तो सच में बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिला है। तेरे इन छोटे छोटे और सुंदर हाथों ने तो इस लहंगे में चार चांद लगा दिया है। अब जब तू ये लहंगा पहनेगी तो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। गौरी ने बहुत ही मेहनत से अपने लिए लहंगा सिला था, जो दिखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब गौरी की शादी का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह गौरी नहा धोकर तैयार होने के लिए अपना लहंगा लेने जाती है, तभी वो देखती है कि उसके लहंगे में आग लगी हुई है। यह सब देखकर गौरी बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, मैं पूरी रात जागकर मैंने इतनी मेहनत से अपने लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया था, लेकिन पता नहीं इस लहंगे में अपने आप आग कैसे लग गई।
उसके बाद गौरी उदास होकर रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी गौरी को एहसास होता है कि कुएं के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। तभी गौरी उस कुएं के पास जाती है और कुएं में झांक कर देखती है। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा लहंगा किसने जलाया है। बेटी, तुम्हारा लहंगा तुम्हारी बहन ने ही जलाया है। किसी पर इतना भी भरोसा मत किया करो बेटी कि वह तुम्हारा भरोसा ही तोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ही अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ, तुम इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख देना और तुम उस कपड़े को जैसा भी सिलना चाहती हो वैसा ही यह जादुई सिलाई मशीन को बोल देना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हें वैसा ही कपड़ा सिलकर दे देगा। बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो जल्दी से इसे अपने घर लेकर जाओ और अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल लो और खूब अच्छे से सज धज कर तैयार होना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी शादी में किसी भी चीज की कोई कमी होगी तो तुम इस जादुई सिलाई मशीन से मांग लेना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। यह सुनकर गौरी बहुत ही खुश होती है और गौरी उस कुएं का धन्यवाद करके वह जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर आ जाती है और एक कपड़ा लेकर जादुई सिलाई मशीन पर रख देती है। पलक झपकते ही वह कपड़ा एक सुंदर से लहंगे में बदल जाता है। यह देखकर गौरी बहुत ही खुश होती है और उस जादुई सिलाई मशीन से शादी के लिए कुछ पैसे भी मांग लेती है। फिर कुछ ही देर बाद गौरी की शादी भी रागिनी की तरह ही बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। गौरी और रागिनी दोनों के जाने के बाद सुलोचना बिल्कुल घर में अकेली हो जाती है। सुलोचना को उस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी एक दिन दोनों बहनें सुलोचना के पास आती है और बोलती है, माँ कैसी हो आप? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, आपको मेरी याद नहीं आती है क्या? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी तो मुझसे भी बात कर लिया करो, आप तो हर वक्त गौरी से ही बातें करते रहती हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। रुको बेटी, मैं तुम दोनों के लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। इसके बाद सुलोचना रसोई घर में जाती है, उसके पीछे पीछे गौरी भी जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शादी वाले दिन आपको बता नहीं पाई, मेरे कमरे में एक सिलाई मशीन रखी हुई है। वह कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं है बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन है। अब जब भी आपको सिलाई करनी होगी तो उसी सिलाई मशीन से कर लेना। उस मशीन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस उस पर एक कपड़ा रख देना और उस मशीन को बोल देना, वह खुद ही डिजाइन होकर सिल जाएगी। और माँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लहंगा मैंने अपने लिए सिला था उसे रागिनी ने ही जलाया था। बेटी, मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों वो तुमसे इतनी नफरत करती है। माँ, मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आप किसी को मत पता चलने देना और आप उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से खुशी खुशी रहना। वहीं बाहर खड़ी रागिनी सुलोचना और गौरी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, तो ये सब उस जादुई सिलाई मशीन का कमाल था। अब मैं जल्दी से उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। अब रागिनी बस एक अच्छे मौके की तलाश में थी कि कब उसके हाथ वह जादुई सिलाई मशीन लगे। फिर कुछ ही देर बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी रागिनी दिन रात यही सोचते रहती है कि कैसे वह जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद रागिनी फिर से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई थी। गौरी ने जो आपको वह जादुई सिलाई मशीन दी है ना, वो आप मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़े दिनों बाद आपको लौटा दूंगी। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती, यह सिलाई मशीन गौरी की है और वह कुछ ही दिनों में इसे लेने आएगी।
इसलिए मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती। माँ, आपको तो बस गौरी की परी रहती है। मैं आपसे कोई भी चीज क्या मांग लूँ, आप तो मुझे मना ही कर देती हो। रहने ही दो, मुझे तो लगता है आप मेरी माँ हो ही नहीं, उस गौरी की ही हो। बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, तुम्हें यह सिलाई मशीन चाहिए ना, तुम इसे ले जा सकती हो, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सिलाई मशीन मुझे लौटा देना। इसके बाद सुलोचना उस जादुई सिलाई मशीन को रागिनी को दे देती है और रागिनी उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाती है और उस मशीन पर एक कपड़ा रख देती है और उसके सामने बैठकर कपड़े सिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रागिनी दोबारा से जादुई सिलाई मशीन पर कपड़ा रख देती है और दूसरी बार भी रागिनी कपड़े रखकर खुद से सिलाई मशीन को चलाने लगती है। लेकिन तभी सिलाई मशीन चलाते चलाते उसके हाथ की उंगली बीच में आ जाती है और उसके उंगली में बुरी तरह से चोट लग जाती है। आह, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथों में बुरी तरह से चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो। उस वक्त रागिनी के घर में कोई भी नहीं था। फिर रागिनी उस सिलाई मशीन को लेकर अपने माँ के पास जाती है। यह देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटी, यह तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? माँ, मुझे माफ कर दो माँ, यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। लालच में आकर मैंने जादुई सिलाई मशीन को लिया, लेकिन मेरे हाथों में बहुत तेज की चोट लग गई। माँ, यह सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। बेटा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, यह सब तो तेरी गलती की ही सजा है। और अगर तुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों को बराबर ही प्यार करती हूँ बेटी। माँ, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता चल गया है, आप मुझ में और गौरी में कोई भी फर्क नहीं करती हो। माँ, मैं ही गलत थी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। बेटी, माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी बहन गौरी से मांगनी चाहिए। तुम आज ही उसके घर जाओ और उससे माफ़ी मांग लो और उसे यह जादुई सिलाई मशीन भी दे देना, क्योंकि यह जादुई सिलाई मशीन उसी की है। गौरी ने बचपन से ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तूने हमेशा उसका बुरा ही सोचा है। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांग लो। उसके बाद रागिनी अपनी माँ सुलोचना के साथ गौरी के घर जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। तभी गौरी बोलती है, रागिनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा। मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ के लिए छोड़कर आई थी, क्योंकि हम दोनों की शादी के बाद माँ घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ अपना गुजारा कैसे करती, इसलिए मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ को देकर आ गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं लालच में आकर यह जादुई सिलाई मशीन माँ से ले ली थी और मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोची। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। गौरी रागिनी को माफ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। अब दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और उसकी माँ उस जादुई सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।